कोई बात नहीं, अरेस्ट करो। शांति। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, नया चैप्टर है कैपेसिटेंस। नया चैप्टर क्या, बिल्कुल उस अब वो ना लिंक था, बहुत बड़ा लिंक था, फोर्स फिर फील्ड फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वो लिंक इतना बड़ा है कि अगर एक भी चीज़ खराब होती है सारी चीज़ खराब होती जाती है। अब किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं वो वैसे तो ठीक था, बस पोटेंशियल ने उस बंदे को ख़राब कर दिया, वैसे वो ठीक है स्टूडेंट, तो वो अपनी परफॉर्मेंस कैपेसिटेंस में दिखा सकता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं ठीक परफॉर्मेंस देने वाला स्टूडेंट हूँ। मतलब एक नया टॉपिक है, नए तरीके से इसको पढ़ेंगे। वो गया टाइम पोटेंशियल डिफरेंस करते रहता था, E.dr, E.dl, आधे लोगों को क्या कन्फ्यूजन है, क्या लगाएं, E.dl लगाएं कि फिर कोई नॉर्मल फॉर्मूला लगाएं या वर्क डन बाय चार्ज लगाएं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सीधा चलता है ये। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस वर्ड कहाँ से आ रहा है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब मैं एक बकेट लेने गया, बाल्टी लेने गया, लिखा हुआ था उसकी कैपेसिटी 5 लीटर, तो मुझे समझ में आया उसमें 5 लीटर पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी 5 लीटर थी, राइट। तो मेरे को बकेट का क्या पर्पज़ लगा, या मैं एक बाल्टी को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, या सपोज़ करो ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे घर में पानी आ रहा है, पानी कभी तेज़ आता है, कभी स्लो आता है, कभी कभी तो बूंद बूंद आता है, मेरे को बाल्टी भर के 25 लीटर पानी चाहिए, कहीं पर मुझे फेंकना है इकट्ठा 25 लीटर। अब मैं अगर टैप चलाता हूँ तो पानी टिप 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 कर रहा है, मैं कहाँ से 25 लीटर लाऊंगा, विद इन 1 सेकेंड गिरना है मेरे को, मैं नहीं गिर पाऊंगा। तो आप क्या कहेंगे, सर पहले एक काम करो बाल्टी भर लो, पहले आराम आराम से बाल्टी भर लो फिर फेंक लेना। अब बाल्टी भरने में मुझे क्या लगेगा, टाइम, आधा घंटा रुकूंगा, बाल्टी भरेगी 5 लीटर की या 25 लीटर की, तब जाके मैं पानी फेंकूंगा, यही तरीका, और तो कोई तरीका नहीं है। उसी तरीके से हमारे घरों के अंदर सेम सिस्टम लगे हुए हैं, हमारे घरों में पानी का फ्लो कभी है कभी नहीं है, पूरा दिन तो पानी नहीं है, या सुबह आ रहा है या शाम को आ रहा है, और कभी प्रेशर भी नहीं है, पर मेरे को तो कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, कम से कम मेरा काम तो ना रुके। तो हमने घरों में क्या लगाऊंगा, टैंक, घरों पे छत पे टैंक लगे होते हैं, तो पूरा दिन पहले हम पानी भर लेते हैं फिर टैंक के पानी से अपना काम कर लेते हैं। तो टैंक के पानी को कैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, आप 1 सेकंड में 2 लीटर निकालना चाहते हो, आप टैप को तेज़ कर दो, अब आधा लीटर निकालना चाहते हो स्लो कर दो, आप एक बूंद निकालना चाहते हो उसको बिल्कुल स्लो कर दो, नहीं निकालना चाहते बंद कर दो। यानी कि अब जो फ्लो होगा पानी का वो आपके हिसाब से होगा, वो पीछे की सप्लाई के हिसाब से नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक, कोई डाउट है इसमें। अब चार्जेस का भी सेम प्रिंसिपल है, मेरे को खींचनी है एक फ़ोटो, फोटो खींचनी है कैमरा से, खींचने का मैं रात को, रात को सनलाइट है नहीं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्लैश। फ्लैश क्या है, बहुत सारे चार्जेस उठा के हवा में फेंकना, हल्की लाइटनिंग, जैसे बिजली कड़कती है वो बटन दबाता है फ्लैश आती है, बड़ी जोर की लाइट आती है। फ्लैश किससे बनती है, बहुत सारे इकट्ठे चार्जेस हवा में फेंके जा रहे हैं, जैसे 25 लीटर की बाल्टी मैंने उठा के फेंक दी चार्जेस की, बिल्कुल वैसे ही इकट्ठा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको बैटरी है, बैटरी उसको चार्ज करेगी। अब बैटरी की प्रॉब्लम यह है, बैटरी एक टैप है, बैटरी क्या करेगी, बैटरी उसमें से 25 या जो भी आपने एक बहुत सारा चार्ज इकट्ठा निकालना है वो निकालने नहीं देगी। बैटरी की चार्जिंग करनी है तो भी समय लगता है, सबको पता है, आप मोबाइल को चार्ज करते हो टाइम लेता है, डिस्चार्ज वो भी टाइम लेता है। बैटरी इंस्टेंट नहीं है कि आपको इकट्ठा चार्ज एकदम देगी, नहीं देगी। और बैटरी एक स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, वैसे बताऊं मैं आपको, बैटरी कोई चार्ज स्टोर नहीं करती, अगर बैटरी चार्ज स्टोर करती उसका नाम कैपेसिटर होता। बैटरी का प्रिंसिपल अलग है, बताता हूँ, उसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है वो भी बताता हूँ। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक टैंक चाहिए जहाँ पर बहुत सारे चार्जेस स्टोर हो, और जब आपने फोटो खींचनी हो वो इकट्ठे के इकट्ठे सारे चार्जेस बाहर फेंक दे, डायरेक्ट सप्लाई काम नहीं करेगी। तो वो जो आपने एक डिवाइस यूज़ किया जिसमें चार्ज स्टोर हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया, कैपेसिटर। और हर कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटी। इसमें चैप्टर में कैपेसिटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो क्या होगी उसकी, कैपेसिटेंस। क्लियर है यहाँ तक। और अगर आप बाल्टी लेके आते हो उस पर लिखा हुआ है 5 लीटर, तो भाई 5 लीटर पानी नहीं स्टोर करेगा वो, 6 नहीं कर सकता,
छः करवाओगे मना नहीं करेगा, बाल्टी तो कहती है पानी दे दो मेरे को, क्या मैं फेंक दूंगी, तो क्या करेगी 5 लीटर रख लेगी, जैसे ही 5.1 लीटर होगा 0.1 लीटर बाहर ओवरफ्लो, ऐसा ही होगा। कैपेसिटर का भी सेम प्रिंसिपल है, कैपेसिटर पे अगर लिखा हुआ है अगर 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और आप सोच रहे हो वो 6 कर लेगा, वो नहीं करेगा, या तो वो करेगा नहीं या फिर उठा के चार्ज को बाहर फेंक देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटर की कॉन्स्टेंट है, अगर उस पर लिख दिया कि 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही चार्ज स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो हर कैपेसिटर की कोई कैपेसिटी है। तो पॉइंट समझ में आया कि क्या पर्पज है इसका। जैसे आपने चार्ज को स्टोर करवा लिया, चलो कैमरे का तो एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है मेरे को सपोज करो एक रेगुलेटर लगा रखा है मैंने, वो रेगुलेटर क्या करता है उसमें स्टेप्स बने हुए हैं 5, 4, 3, 2, पंखे का रेगुलेटर जैसे होता है, तो पंखे का रेगुलेटर 5 है पंखा तेज घूमेगा, 4 है स्लो घूमेगा, 3 है स्लो, 2 स्लो, 1 स्लो, 0 बंद। तो क्या किया हुआ है वहां पर, एक कैपेसिटर लगा दिया हुआ है, आप रेगुलेट कर रहे हो कितना चार्ज बाहर छोड़ना है इस कैपेसिटर ने, तो अगर ज्यादा करोगे 5 नंबर तो पंखा तेज घुमा देगा, 4 ज्यादा फ्लो करेगा, 4 कम करेगा, 3 स्लो कर देगा। तो यानी कि वही टैप वाला काम है, नलके को घुमाते हो, नलका कभी पानी तेज कभी स्लो, ऐसी चार्ज कभी तेज कभी स्लो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर कहां काम आएगा, बैटरी ये नहीं कर सकती, बैटरी तो कॉन्स्टेंट काम कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तेज स्लो से, वो तो एक ही रेट पर काम करती जा रही है। पर हमें कंटेनर रखना पड़ेगा, एक कंडेंसर रखना पड़ेगा, एक डिवाइस रखना पड़ेगा, स्टोरेज डिवाइस, जो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उस स्टोरेज डिवाइस का क्या नाम होगा, कैपेसिटर। ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर जो क्या लिखा हुआ है कि नीड ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की नीड तो है ही है, हमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी डिस्कस किया जहाँ फील्ड है वहाँ एनर्जी है। तो आप दो प्लेट्स ले लो, दो प्लेट्स को पॉजिटिव नेगेटिव कर दो तो बीच में क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी है। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर दिया, चार्ज स्टोर कर दिया, तो यानी कि एनर्जी स्टोर कर दी। तो अब इसमें एग्जाम्पल दिया, वाटर इज स्टोर्ड इन अ टैंक, टैंक में आपने पानी स्टोर कर लिया। बैटरी इज अ स्टोरेज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी का कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं, बैटरी में ये थोड़ी ना है कि चार्ज ही चार्ज भरा हुआ है ना, बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं। आप पानी डालते हो ना बैटरी में वो हर साल, ताकि वो ख़राब ना हो, ड्राई ना हो जाए, तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें केमिकल्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे काम करती है, बैटरी की जो, बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिखाया जाएगा, बैटरी के अंदर क्या मैकेनिज्म है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैटरी क्या करेगी, बैटरी कॉन्स्टेंट सप्लाई नहीं कर पाएगी चार्ज की। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन गिव लार्ज करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ वेरी लेस टाइम। बहुत कम समय में मेरे को बहुत चार्ज चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा इसमें, एक कैपेसिटर। तो एग्जाम्पल 25 लीटर ऑफ पानी इंस्टेंटली चाहिए, मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप अपने घर में टैंक लगाओगे, पहले पानी भरोगे, 25 लीटर बाहर निकाल लोगे। उसी तरीके से इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। अरे ये क्या है कंप्रेस्ड चार्जेस, क्या हो गया मतलब, कंप्रेस्ड चार्जेस इसलिए बोला जाता है, जैसे कि सपोज करो ये एक स्फीयर है, एक के कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हवा में तो उड़ने से रहा, तो ये भी डिवाइस कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक अ कैपेसिटर। भाई जो चीज चार्ज स्टोर करेगी इरिस्पेक्टिव उसकी क्या शेप है, उस पर चार्ज टिका हुआ है, हवा में उड़ नहीं रहा, तो ये कैपेसिटर है। आप कहोगे एनर्जी कहां स्टोर की, ये देखो यहां पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में एनर्जी तो स्टोर होगी ही होगी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो ये क्या करेगा, लाइक अ कैपेसिटर। यानी कि आप पूछोगे सर जितनी भी चार्ज बॉडीज हमने देखी, पॉइंट चार्ज को छोड़ के, डिस्क है या रिंग है जिसके ऊपर चार्ज, क्या वो कैपेसिटर है, हाँ वो कैपेसिटर है, जिसने चार्ज स्टोर कर दिया वो कैपेसिटर है, राइट।
आप कहोगे मैंने तो देखे नहीं ऐसे कैपेसिटर लगे हुए, वो अलग बात है। हम कैपेसिटर की डिज़ाइनिंग करेंगे। हम डिज़ाइनिंग क्यों करेंगे? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कम से कम जगह पे स्टोर हो। देखो तो जगह भी बहुत बड़ी बात है। मैं दिखाऊंगा कि ये स्पेस कैसे, कि जो मैं जगह वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा कैपेसिटर छोटा कैपेसिटर कैसे डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर आऊँगा मैं अभी। पर कैपेसिटर क्या है समझ में आ रहा है? अब कैपेसिटर के अंदर एग्जाम्पल है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इस कंडक्टिंग स्फीयर में से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये और चार्ज स्टोर करे, तो मैं क्या करूं? इसमें से और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दूं, तो और चार्ज स्टोर करेगा। चलो मैंने 10 निकाल दिए, 10 का पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलो मैंने 100 निकाल दिए, तो 100 का पॉजिटिव आ गया। कंप्रेस कर रहा हूं चार्ज, भर रहा हूं कम जगह पे, तभी वर्ड कंप्रेस यूज किया। मैंने कहा चलो 1000 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन 1000 बाहर निकाल दिए, तो 1000 पॉजिटिव चार्ज आ गया। 100000 निकालते हैं, स्फीयर कहते हैं मेरे पास तो है ही नहीं 100000, मेरे से बाहर कहां से निकालोगे? यानी कि उसकी कोई कैपेसिटी है, ये थोड़ी ना है कि 10 करोड़ निकाल दो, है ही नहीं उसके पास 10 करोड़, वो कहां से निकालेगा? तो इसका मतलब एक स्फीयर की चार्ज स्टोर करने की कोई कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाओगे वो दिए जाएगा, जितने हैं उसने दे दिए, उसके बाद और चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव स्टोर हो नहीं सकता। हम बोलेंगे ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। क्यू अगर मैक्स हो गया इसका, तो वी भी इसका मैक्स हो गया, उससे ज्यादा चार्ज ये स्टोर नहीं कर सकता, और उससे ज्यादा पोटेंशियल इसके ऊपर डेवलप भी नहीं हो सकता। राइट, क्लियर है? अब ये तो वही बात होगी कि बाल्टी 5 लीटर की थी, और बाल्टी ने कहा मेरे पास 5 लीटर पानी आ गया, अब मैं और पानी स्टोर कर नहीं सकती। अब आप क्या चाहते हो? आप जबरदस्ती करूंगा पानी स्टोर, तो करना पड़ेगा। आपने लगा चला दिया, क्या होगा? 5 लीटर का जो पानी होगा, मना तो करेगी नहीं, वो क्या करेगी? वो सारा पानी अर्थ को दे देगी, ग्राउंड। आप देते रहो पूरा दिन नलका चला के रखो, उसने 5 लीटर स्टोर करके रखना है, बाकी सब क्या हो जाएगा? ओवर फ्लो जाएगा। सेम मैकेनिज्म कैपेसिटर का भी है। कैपेसिटर में आप अगर जबरदस्ती इसको चार्ज दोगे और पॉजिटिव भरोगे, जगह तो है नहीं और पॉजिटिव की, तो ये चार्ज को हवा में ओवरफ्लो कर देगा। अब ये अजीब बात कर दी मैंने, हवा में चार्ज ओवरफ्लो करेगा? हवा में चार्ज उड़ते हैं? अगर हवा में चार्ज उड़ते होते अब तक तो पता नहीं कहां कहां से चार्ज आ रहा होता, अब तो बैठे बैठे शॉक लगता, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एयर का जो एटम है, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्ज को हवा में उड़ा नहीं सकता, सबको मालूम है, उड़ते उड़ते तो बैड कंडक्टर ही है, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, हवा में तो आता ही नहीं है। तो लेकिन मैंने स्टेटमेंट दी कि हवा में चार्ज उड़ेगा, देखो कैसे। रोज नहीं उड़ता, ये किसी स्पेशल केस में उड़ता है। देखो सपोज करो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने दे दिया, इसके पास था इसने दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने और इलेक्ट्रॉन निकाला और पॉजिटिव चार्ज आ गया, और निकाला और आ गया। अब ये कहता है बस मेरे पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मेरे से मत मांगना, और मेरा जो पॉजिटिव होना था वो हो गया। आप कहते हो नहीं, मैं तेरे को एक और पॉजिटिव दूंगा। वो कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैं और पॉजिटिव कैसे जनरेट करूंगा? लेकिन आप नहीं हटे, आप कहते मैं दे के छोड़ूंगा तेरे को। अब वो अगर दे के छोड़ोगे और अगर हट ही नहीं रहे हो, तो ये क्या करेगा स्फीयर? ये एयर का जो एटम होगा इसके आसपास, विच इज अ बैड कंडक्टर, ये एयर के एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन तो एयर के एटम में भी है, वैसे नॉर्मली खींचना आसान नहीं है। जब ये बहुत ज्यादा चार्ज अटेन कर लेगा ना, बहुत ज्यादा हाई चार्ज, बहुत हाई पोटेंशियल, बहुत हाई पोटेंशियल का मतलब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा आसपास। कितना हाई? 10^5 वोल्ट पर मीटर, इतना 100000, 1,00,000, अरे यहां तो 200 वोल्ट में ही हालत खराब है, 1,00,000 की बात कर रहा हूं। इमेजिन को ऐसी सिचुएशन, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो रोज रोज एयर में चार्ज ओवरफ्लो नहीं होते, पर अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या करेगा? ये एयर का एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये एयर का एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेगा। अब ये मुझे कहेगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन आप मेरे से ले लो, क्योंकि मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लूंगा
और यहां पर ये फिर से क्या डेवलप कर लेगा, पॉजिटिव। अब वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया, तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन इसका था ही नहीं, इसने किससे लेके दिया, एयर के इलेक्ट्रॉन। अब एयर के ऊपर कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव, क्योंकि एयर तो आयनाइज हो गई, इसे बोलते हैं एयर का आयनाइज होना। तो एयर के ऊपर हवा में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं कहता हूं कि मेरी डिमांड है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से खींचने हैं। वो कहता है मेरे पास तो है नहीं, तो ये एयर के 100 एटम में से 100 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मुझे 100 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एयर के ऊपर एयर के 100 पॉजिटिव चार्ज एयर में दिखेंगे आपको, तो आप कहोगे हवा में चार्ज उड़ रहा है पॉजिटिव। ये रोज नहीं होता, ऐसा होता नहीं, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, नॉर्मली नहीं होता। बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे बाल्टी ओवरफ्लो करती है ऐसे ही कैपेसिटर भी ओवरफ्लो कर सकता है। आप कहो कि सर अगर मान लो इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट ही ना हुआ फिर, तो ठीक है, कहेगा सॉरी मैं इलेक्ट्रॉन मेरे पास है नहीं, एयर से मैं लेके नहीं दे सकता, तो मेरे ऊपर और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो ही नहीं सकता, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सिंपल, या तो एयर में जाएगा या नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। और बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया फिर तो एयर में भी चला जाएगा, नहीं हुआ तो जो है सिचुएशन वैसी दिखेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ओवरफ्लो किसे बोलते हैं, राइट, क्लियर है यहां तक। वैसे आपको होगी सर अब ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे एयर में ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारी फिजिक्स जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें एयर के आयनाइजेशन नहीं पढ़ते, क्योंकि हम 10^6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करते ही नहीं। हम तो बेचारे 10 पे कर लिया, 20 पे कर लिया, 30 पे कर लिया, ई कितना होता है, छोटा छोटा ई होता है हमारा, तो हम इस इतनी लेवल पे काम करते ही नहीं है। बट हाँ इतने लेवल पे काम हो सकता है जो हम नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट क्लियर है। तो आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे, ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। तो ये जो कहानी है इसलिए बताई कि इसको ओवरफ्लो बोलते हैं, और लिखा हुआ है कि एयर का एटम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इसमें और पोटेंशियल दूंगा या और चार्ज भरूंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और चार्ज इसमें कंप्रेस हो जाएगा, कम जगह में मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं चार्ज का कंप्रेस होना। ठीक, बहुत हाई पोटेंशियल होगा तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर जो कहानी मैंने सुनाई, अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो जो स्फीयर है वो एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं कि चार्ज क्या हो गया, स्फीयर में से लीक हो गया, चार्ज लीकेज बोलते हैं इसे, जो नॉर्मली हम इसको पढ़ते नहीं है। पर आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि अगर आप एयर को ब्रेक करना चाहते हो, एयर के एटम को ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको कितना फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, 3×10^6 काफी होता है, 30 लाख इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मजाक की बात नहीं है। मेरे पास अगर 30 लाख हो जाएगा तो मैं हाथों में मशीन लगा के लोगों को शॉक देना शुरू कर दूंगा, ऑन करूंगा, हवा में चार्ज आएगा, गिरते जाएंगे दूर दूर से, भाई शॉक लगेगा, एयर पूरी रूम में चार्ज ही चार्ज छोड़ दूंगा तो आपको झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो इंग्लिश मूवी में देखेंगे आपने, कोई ऐसा विलन ज़्यादा फिक्स पड़ लेता है और स्पाइडरमैन मूवीज़ में दिमाग हिल जाता है, वो कहता है अब ऐसा मशीन जनरेट करूंगा कि बस बिजलियाँ भी निकलेंगी और तो नहीं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, तो ऐसा बहुत आपने इंग्लिश मूवी में देखा होगा। तो यही कुछ करते हैं, एक हाई मशीन जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई तो चार्जेस को वो जो है इस लीकेज होता है इसका, एयर को आयनाइज करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसी नॉर्मल मशीन मिलती नहीं है। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कोई भी बॉडी ले लें, चाहे स्फीयर लें, चाहे कोई भी बॉडी ले लें, कोई भी शेप, अगर आप उसको चार्ज क्यू देंगे तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल वी। तो जितना चार्ज देंगे उतना ही हाई क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल वी। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, क्लियर है, और एक प्रोपोर्शनैलिटी है, कॉन्स्टेंट आएगा, वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, सी। वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, सी। ठीक है, तो सी क्या होगा, क्यू बाई वी। तो जितना ज्यादा आप उस स्फीयर को या कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दोगे उतना ही हाई पोटेंशियल होगा। आप कहोगे मैं तो चार्ज डबल कर दूंगा, हाँ तो कर दो, वी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन रेशियो विल रिमेन सेम। इसीलिए उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्यू चेंज करते ही वी चेंज हो जाएगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। क्लियर है? अब चार्ज
के ऊपर किस साइंटिस्ट ने काम किया था? कूलम। और पोटेंशियल पे किसने काम किया था? साइंटिस्ट वोल्ट। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा किसने? एक तीसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है फेरेड, उसने पढ़ा, उसने इनको अपने दोनों को लिखा नाम और तीसरा नाम अपना लगा दिया। तो कैपेसिटर की यूनिट क्या है? फेरेड। रोज याद करोगे 15 दिन फेरेड को, अब देखना हर कैपेसिटर की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड फेरेड फेरेड करते ही रहोगे। समझ में आया यहां तक? तो ये फेरेड इसके यूनिट्स हैं। फेरेड तो बहुत बड़ा यूनिट है, ऐसा मैंने क्यों बोला अभी बताऊंगा। बट नॉर्मली अगर आप कैपेसिटर्स परचेज करें उसकी रेटिंग जो होती है माइक्रो या पीको फेरेड में होती है। म्यू एफ माइक्रो फेरेड है 10^-6 फेरेड, और पी एफ लिखना है यहां पर 1 PF यानी कि पीको फेरेड 10^-12 फेरेड। क्लियर है यहां तक? अब अगर आपको एक कैपेसिटर बनाना है, कोई भी चीज बनाने के लिए आपको एक चीज जरूर स्टडी करनी पड़ती है, और वो है मटीरियल, अंदर भरना क्या है। कुर्सी भी बनानी है ना अगर फैक्ट्री में, तो मटेरियल का यूज करेगा कुर्सी का, वो भी तो डिजाइन, तभी अगर नॉलेज होगी तभी बनाऊंगा। घर बनाना है तो फिर मटेरियल का यूज करूंगा तभी घर बनाऊंगा। तो मशीन, कोई भी चीज बनानी है तो उसका अंदर कैसे वो रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, वो मटेरियल को स्टडी करना जरूरी है, तभी आप मटेरियल बना पाओगे या डिवाइस बना पाओगे, तो बना नहीं पाओगे। इसीलिए कैपेसिटर की आगे फर्दर स्टडी से पहले यह पढ़ाया गया कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, और इनका क्या बिहेवियर है जब आप किसी भी कंडक्टर को और इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को क्लासिफाई किया गया, आपको कि क्लासिफाई तो बचपन से करते आ रहे हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें नहीं होती, हो गया बस। तो हमने इसको क्लासिफाई किया इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे नहीं, हमने क्लासिफाई किया इसे इनका क्या रिएक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे बिहेव करते हैं। जब मैं इनको चार्ज दूंगा मेरे को कोई बिजली नहीं दौड़ानी उसमें से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करनी। अगर मैंने एक इंसुलेटर को चार्ज दिया तो वो क्या रिएक्ट करेगा, और अगर कंडक्टर को दिया तो वो क्या रिएक्ट करेगा। तो अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर वो मटीरियल है जिसके ऊपर अगर आपने चार्ज दिया या जिसके अंदर भी चार्ज दिया, कंडक्टर अपने अंदर चार्ज को स्टे नहीं करवाएगा, सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? और अगर आप चाहो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अलाउड है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यही कंडक्टर्स हैं। और अगर इंसुलेटर्स की बात करते हो, प्योर इंसुलेटर जैसे ग्लास है या वुड है, लकड़ है, लकड़ को जोर लगा लो, ना तो उसके अंदर चार्ज आएगा, ना उसकी सरफेस पे चार्ज आएगा, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्या हुए? प्योर इंसुलेटर्स, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिनको अगर आप चार्ज दो, उनको रब कर दो किसी चीज के साथ, तो उनकी सरफेस पे और उनके वॉल्यूम के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर आप कहो कि वो इलेक्ट्रॉन्स उनमें मूव करते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो यानी कि कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है, इंसुलेटर की बात कर रहा हूं मैं, लकड़ पे तो स्टे नहीं करता, पर कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनकी सरफेस पे भी चार्ज हो सकता है, जिनके वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज हो, लेकिन वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर ही है। यानी कि इंसुलेटर का बिहेवियर एक जैसा नहीं है। प्योर इंसुलेटर तो वो है ना तो चार्ज लेंगे ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। स्पेशल इंसुलेटर्स हैं जिनके अंदर और जिनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी तरीके से, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करते। तो ऐसे खास किस्म के इंसुलेटर्स को नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इस चैप्टर में कैपेसिटर के अंदर हम इसको काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने अभी तो याद कर रखा है व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के F नॉट बाई एफ एम, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। ये थोड़ा ना पता है डायलैक्ट्रिक मटीरियल होते क्या हैं, ये थोड़ा ना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ खास किस्म के इंसुलेटर्स हैं, राइट? तो डायलैक्ट्रिक मटीरियल्स क्या हैं, इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर बनाने में वो हेल्प हमारी करेंगे, मतलब कम जगह में ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाते हैं वो। तो हमने कैसे क्लासीफाई किया? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड लास्ट डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर ही हैं
स्पेशल टाइप के इंसुलेटर्स हैं, ठीक। पढ़ना नहीं है, हाथ अगर के याद मत करना सुबह 5 बजे उठ के, ये तो समझने के लिए है। जो करना है वो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल है, जो करना है वो डेरिवेशन है, ये तो भूमिका है कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वो डायलेक्टिक्स है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक। बात ही नहीं करनी उसकी, वो तो अगला यूनिट है, एक महीना लगेगा उसको। ओके, दो किस्म के और ये वर्ड्स यूज करेगा इस चैप्टर में, एक फ्री चार्ज एक बाउंड चार्ज। एक लाइन में समझाता हूं, आपके पास एक एटम है, एटम में कई तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के पास इनर शेल्स वाले और आउटर शेल वाले। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन आप किसी तरीके से निकाल सकते हो वैलेंस शेल से। आपने मान लो आउटर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो एटम क्या हो गया, आयनाइज हो गया। जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपने उसे क्या कर दिया, फ्री, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और बेचारा जो न्यूक्लियस के पास इनर शेल वाला था वो फ्री हो नहीं पाया, वो क्या हो गया उसके साथ, न्यूक्लियस के साथ बाउंड। तो बाउंड मतलब बंध के रह गया, फ्री मतलब फ्री हो गया। बस ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए, राइट। कोई पूछेगा नहीं, इसको लिख के दिखाओ, व्हाट आर बाउंड चार्जेस, पता होना चाहिए कि बाउंड और फ्री किसे बोलते हैं, राइट। बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखें तो क्या बिहेवियर वो शो करेगा, ये टॉपिक है। तो इसमें क्या शो करेगा कि मान लो आपके पास एक, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये देखो ऐसे, सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेट्स हैं, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव और ये कौन सा चार्ज है नेगेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करूं तो कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर सकता हूं, राइट, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में, राइट, मैंने इसके बीच में एक कंडक्टर को रख दिया, ये मान लो एक कंडक्टर है, ठीक, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर जब रखोगे, न्यूट्रल है, सबसे पहला काम क्या होगा, इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। तो क्या होगा इसमें, यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, और इस तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है। इन चार्जेस को क्या नाम दिया, कौन से चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इंडक्शन हुई है ना, पॉजिटिव ने नेगेटिव, पॉजिटिव ने नेगेटिव,
तो इन चार्जेस का नाम क्या है, इंड्यूस चार्जेस। तो इस कंडक्टर के ऊपर इंडक्शन हो गई और इंड्यूस चार्ज इसमें डेवलप हो गए। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, ये देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखो, राइट, ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां होगा, यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर ई हमेशा क्या होता है, जीरो। क्लियर है? चाहे वो खाली है चाहे वो भरा हुआ है, शेल होगा तो भी ई जीरो, प्रॉपर कंडक्टर होगा तो भी ई जीरो। तो ई की वैल्यू तो किसी भी कंडक्टर में क्या होगी, जीरो। क्लियर है यहां तक? अब कोई कहता है कि मतलब ठीक है, ई जीरो हम पढ़ के भी आए हैं, किसी भी कंडक्टर में ई जीरो, थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करो इससे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक्स ने ऐसे यूज किया मैकेनिज्म कि ये जो बाहर की प्लेट्स हैं वो इसमें कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, एक्सटर्नल फील्ड। जो बाहर की प्लेट्स हैं वो इसमें क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, एक्सटर्नल फील्ड। और कोई कहता है कि ये ना गलत डायग्राम है बुक का, चार्जेस अंदर नहीं होते कभी भी, चार्जेस हमेशा, तो प्लीज अगर करेक्शन है तो करेक्शन ड्रॉ कर लेना प्लीज, यहां पर चार्जेस बाहर है अंदर नहीं है प्लीज, ये गलत है। ठीक है, तो चार्जेस डेवलप हुए बाहर की तरफ। अब हुआ क्या, कोई कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगा। मैंने कहा अंदर कैसे होगा, वो कहते देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इंड्यूस चार्जेस भी अंदर फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है करेंगी, उसका नाम क्या रखा उसने, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब लेकिन आपने याद किया हुआ है किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो। तो उसकी एक्सप्लेनेशन बुक्स ऐसे देती हैं कि एक फील्ड बाहर है उसका नाम क्या है, ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल का मतलब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस का मतलब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई भी पॉइंट यहां लिया जाए, ये दो फील्ड के इंफ्लुएंस में है, एक फील्ड कौन सा, ई एक्सटर्नल, और एक इसका खुद का, ई इंड्यूस्ड। अब क्योंकि इंड्यूस चार्जेस एक्चुअल चार्जेस के बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दोनों सेम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर ई हमेशा क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस भी करता है तो बाहर का फील्ड उस फील्ड को क्या कर जाता है, कैंसल। सिर्फ एक्सप्लेन किया गया कि जो नेट फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड है। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर फील्ड कितना है तो आप बोलोगे ई एक्सटर्नल, यहां पर कितना है, ई एक्सटर्नल, यहां पर नेट फील्ड कितना है, जीरो। क्योंकि दो फील्ड आपस में क्या कर जाते हैं, इसमें कैंसल। तो ये बिहेवियर क्लियर है कंडक्टर का। तो जब भी मैं प्लेट्स के बीच में कंडक्टर रखूंगा तो आपने बोलना है, देखते ही बोल देना है कि ई इसमें कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, जीरो। नेक्स्ट है, अगर एक कंडक्टर के आउटसाइड की बात करते हो, आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, वो तो पता ही है। अगर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से बाहर निकलेंगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगी। लाइंस की तो प्रॉपर्टी है, वो तो निकलती परपेंडिकुलर है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। हमने पढ़ा हुआ है कंडक्टर के अंदर ना तो ई होता है, कंडक्टर के अंदर ना तो क्यू होता है, नेट चार्ज जीरो। और चार्ज कहां रिजाइड करता है, ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अभी वो किया था, शेल्स की प्रॉब्लम की थी लास्ट टाइम, किसी भी शेल के अंदर ई क्या होता है, जीरो, वी क्या होता है, कांस्टेंट। तो कह रहे हैं अगर शेल ना भी हो और कोई वैसी कंडक्टर हो उसका भी सेम रूल है, किसी भी कंडक्टर के लिए चाहे वो शेल ना भी हो उसके अंदर ई क्या रहेगा, जीरो, और अगर ई जीरो होगा तो वी क्या होगा, कांस्टेंट। तो किसी भी कंडक्टर चाहे वो शेल हो या ना हो, E जीरो रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है, ये हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की शीट में, मैंने टेस्ट में भी डाला था कि अगर आपके पास कोई चार्ज बॉडी है उस चार्ज बॉडी के बिल्कुल नियर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी किया था प्रूफ। और एन कैप क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर भी नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल होता है, तो यहां एन कैप लगा दिया, एन कैप का मतलब इट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी क्लियर है यहां तक फॉर्मूला। नेक्स्ट है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है
उस कैविटी का भी सेम रूल है। जैसे एक शेल, शेल के अंदर तो कैविटी कैविटी है, तो शेल के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है तो उसके अंदर ई क्या होगा, जीरो, वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। सेम रूल है, जहां मर्जी ले लो। अब ये प्रॉपर्टीज करने के बाद अब एक्चुअल ट्रैक पे आते हैं अपने कैपेसिटर्स पे। प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब बनाएंगे कैपेसिटर। तो पहला कैपेसिटर है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। वो कहता है एक काम करो, आप एक स्फेयर ले लो, उस स्फेयर का रेडियस क्या है, आर। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं और पॉजिटिव चार्ज इसमें दूं तो पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा, तो इसकी क्या होगी, कैपेसिटी। क्या होगी, कैपेसिटेंस। तो मेरे को इस स्फेयर की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, आर रेडियस है, क्यू चार्ज है, वी का फॉर्मूला क्या होगा इसकी सरफेस पे, 1/4πε0Q/R, और कैपेसिटेंस क्या होती है, क्यू बाई वी। मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज ने इतना पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तो क्यू को वी से डिवाइड कर लिया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 4πε0R। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कि अगर आपके पास एक सिंपल स्फीयर है, सिंपल स्फीयर को आइसोलेटेड स्फीयर बोलते हैं, तो आइसोलेटेड स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 4πε0R। अब ये शो करता है रिजल्ट कि अगर रेडियस स्फीयर का ज्यादा बड़ा हुआ तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, रेडियस कम हुआ कैपेसिटी कम होगी। एग्री करते हो? अब सोचो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक सोचो, जिस दिन ये डेरिवेशन किसी ने बनाई कि बड़ा स्फीयर बड़ी कैपेसिटी, उसी दिन कैमरा भी इन्वेंट हो गया, हुआ नहीं था कैमरा, बहुत लेट हुआ, उस दिन इन्वेंट हो गया। कैमरे बनाने वाला बंदा बोलता है यार मेरे को ना रात को फोटो खींचनी है, कैपेसिटर वाले को, तो अब क्या होगा, वो कहेगा कोई बात नहीं तेरे को चार्ज भर के दे देते हैं, तू फ्लैश यूज़ कर लियो उसकी। तो चार्ज चाहिए बहुत ज़्यादा, तो कैमरे के साथ पीछे क्या उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्फेयर, चार्ज स्टोर तो स्फेयर में से निकालोगे, और अगर ज़्यादा बड़ा आपको चार्ज चाहिए तो स्फेयर भी बहुत बड़ा, तो मतलब इतना था कैमरा और इतना बड़ा कैपेसिटर, कुछ बात सी जमीनी। लेकिन लॉजिक तो ये बोल रहा है जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा कैपेसिटर, तो यानी कि कुछ तो हमें डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर अपनी थ्योरी में तो ठीक है, हाँ ये कैपेसिटर निकाल ली कैपेसिटेंस, पर प्रैक्टिकली शायद ये कैपेसिटर प्रैक्टिकली काम बहुत ज़्यादा आएंगे नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जिसमें छोटी जगह में बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जाए, ये काम हम करेंगे। तो इसके अंदर ये पॉइंट तो क्लियर है कि एक सिंपल स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या होगी। अब वो कहते हैं काम करते हैं, फैराड कहता है चलो मेरा नाम है फैराड, तो एक फैराड को कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक स्फीयर की कैपेसिटी एक फैराड है तो उसका रेडियस क्या होगा स्फीयर का, ये निकाल दो। वो कहता है तो 1 फैराड लिया, कैपेसिटेंस क्या है, 4πε0R है, तो उसने कैपेसिटेंस आर की वैल्यू एक तरफ, बाकी एक तरफ सी की जगह क्या पुट किया, 1, और 4πε0 की वैल्यू पुट की, तो आंसर क्या आया रेडियस का, 9×10⁶ किलोमीटर। कह रहे अगर एक फैराड की कैपेसिटेंस चाहिए ना तो रेडियस स्फीयर का कितना चाहिए होगा, 9×10⁶ किलोमीटर रेडियस चाहिए, इतना बड़ा स्फीयर चाहिए, और ये स्फीयर 1500 टाइम्स अर्थ के साइज के बड़ा होगा। मतलब आप अगर मार्केट जाएं और किसी को कहें भाई एक फैराड कैपेसिटर दियो, तो आपको दुकानदार शायद हंसेगा कि क्या बात कर रहा है, एक फैराड कैपेसिटर लाऊंगा कहां से, 1500 गुना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बन सकता। समझ में आया यहां तक? इसीलिए जो न्यूमेरिकल्स हैं 1 फैराड आएंगे ही नहीं, न्यूमेरिकल किसमें चलेंगे, पीको फैराड, माइक्रो फैराड, इनमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चलेगी। समझ में आया ये कैलकुलेशंस कैसे चलती हैं, क्यों माइक्रो और पीको पढ़ाया जाता है इसमें। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 27 स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं, 3 mm का रेडियस है, चार्ज इतने कंबाइन कर दिया, बड़ा ड्रॉप बन गया, छोटे ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना है नहीं पता, चार्ज पता है, आपको क्या निकालना है, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना और कैपेसिटेंस निकालनी है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाया था, तो पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का क्या होता है, n^2 / 2/3 × पोटेंशियल किया था, वो मैंने पोटेंशियल के फॉर्मूला से करवाया था। अब मैं सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस से करवाता हूँ, छोटा है, कैसे, आपके 27 ड्रॉप्स कंबाइन हो गए,
छोटे ड्रॉप का रेडियस 3 mm गिवन है, तो बड़े ड्रॉप का तो मैं निकाल ही लूंगा। कैसे? बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज 27 इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम, रेडियस का रेशियो आ गया। छोटे ड्रॉप का रेडियस पता है तो बड़े का भी आ गया, तो छोटे का रेडियस आ गया, बड़े का रेडियस आ गया। इसके बाद बिग ड्रॉप की उसने कैपेसिटेंस पूछी है, बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस 4πε0 बड़ा आर, तो बड़े आर को पुट किया, आंसर एक आंसर आ गया। ऐसे ही चार्ज बड़े ड्रॉप पे क्या होगा, छोटे ड्रॉप कितने हैं 27, छोटे ड्रॉप पे इतना चार्ज गिवन है, तो 27 टाइम्स बड़े ड्रॉप का चार्ज हो गया, तो बड़े ड्रॉप का चार्ज आ गया। बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, बड़े ड्रॉप का चार्ज अपॉन बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस, क्योंकि वी क्या होता है क्यू बाई सी, सी क्या होता है क्यू बाई वी, तो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का यूज किया, आपको नया चार्ज पता है, आपको नई कैपेसिटेंस पता है, नया पोटेंशियल। वैसे वो फॉर्मूला ज्यादा बेटर था, एन रेज टू पावर 2/3 टाइम्स वाला, ये भी ठीक है अपनी जगह, जहां कैपेसिटेंस निकालनी होगी वहां ये यूज करना है, जहां एन की पावर वाला फॉर्मूला है तो वो यूज कर लेंगे। बट पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो एन ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल वी, तो बड़े ड्रॉप का कितना किया तो हुआ है एन रेज टू पावर 2, पर इसका मेथड जो है, मेथड तो क्या ही है, सेम ही रिपीट हुआ है, वैसे रिपीट लिख लेना, रिपीट ऑफ लास्ट शीट, उसमें कर लिया हमने ये क्वेश्चन, राइट। थैंक यू भाई। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो ये तो बहुत मुश्किल है कि स्फीयर उठा उठा के घूमे, ये तो बहुत मुश्किल है। हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कैपेसिटर डिजाइन करेंगे जो कम जगह पे बहुत सारा चार्ज को स्टोर कर लेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अकॉर्डिंगली आपको क्या बताया गया है, इसको जरा ध्यान से देखना, क्या है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। देखो सपोज करो आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, बैटरी से दिया, मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवा दिया। तो किसी ने पूछा सर इसके ऊपर चार्ज कितना है, मैंने बोला क्यू। किसी ने पूछा इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल कितना है, मैंने बोला वी। तो उसने कहा ठीक है मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालता हूं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, आंसर। तो मैंने उसको बताया कि मैं इसको और चार्ज देना चाहता था पर इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो इसका लास्ट चार्ज था, इससे ऊपर ये चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता, तो जोर लगा ले कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर चार्ज नहीं आएगा, तो क्यू मैक्स चार्ज आ गया इसका, और चार्ज नहीं ले पा रहा ये, तो वी भी इसका मतलब मैक्सिमम है। तो मान लेते हैं इसने क्यू चार्ज ले लिया मुझसे, इससे ऊपर चार्ज ले नहीं पा रहा, और वी की वैल्यू मान लो इसकी कितनी वोल्ट है, 100 वोल्ट है, इमेजिन में कुछ भी वैल्यू इमेजिन कर ले, इससे ऊपर वी इसमें डेवलप नहीं हो सकता, ठीक हो गया, इसकी कैपेसिटेंस आ गई। अब कोई साइंटिस्ट आया, वो कहता देखो एक काम करते हैं, आपकी सी की वैल्यू आ गई ना, इससे ऊपर तो हो नहीं सकती, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं एक काम करते हैं कि हम इसमें इसके अंदर इसके सामने एक न्यूट्रल प्लेट, कंडक्टिंग न्यूट्रल, ये प्लेट है, लाइन नहीं है, प्लेट है, ये पूरी शीट है, शीट के सामने शीट है ये, तो एक शीट के सामने पैरेलल एक और शीट लगा देते हैं और ये न्यूट्रल है, ऐसे रख दो इसके सामने। जब हमने शीट को सामने ऐसे रखा तो बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव इंडक्शन हो गया, अगर ये q माइनस क्यू प्लस क्यू। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये 10 कूलम का चार्ज है और ये -2 कूलम का चार्ज है, ये 1 मीटर 1 मीटर है, तो यहां पर 10 कूलम क्या पोटेंशियल लगाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1, और -2 क्या लगाएगा, 1/4πε-2/1। तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के पोटेंशियल को कम कर रहा है, पॉजिटिव बढ़ाता है नेगेटिव कम करता है, वो क्लियर है। अब वही हुआ, इसका पोटेंशियल कितना था, 100, नेगेटिव चार्ज सामने डेवलप हो गया, नेगेटिव ने इस प्लेट के पोटेंशियल को गिरा दिया, पहले 100 था, नेगेटिव ने इसको गिरा दिया, कितना कर दिया, 90 वोल्ट कर दिया, मान लो काफी कम कर दिया, लेकिन पीछे क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ने इस प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह इतना बढ़ा नहीं पाया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव थोड़ा पास है, पॉजिटिव थोड़ा सा पीछे है। तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि ओवरऑल इस प्लेट का पोटेंशियल जो कि 100 वोल्ट था,
नेगेटिव ने कम किया, पॉजिटिव ने बढ़ाया, तो ओवरऑल इस प्लेट का पोटेंशियल गिर गया। अब जैसे पोटेंशियल गिरा, क्यू तो इसका कांस्टेंट था ही, तो कैपेसिटी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये कहता है मुझे कि सर कोई बात नहीं, मेरी वी की वैल्यू क्योंकि कम हो चुकी है, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, आप चाहो तो मेरे पे और चार्ज स्टोर कर सकते हो। प्लेट वही है, लेकिन कमाल की चीज है कि सामने एक प्लेट रखने से पहली प्लेट का पोटेंशियल गिर गया, जिससे कि उसकी कैपेसिटेंस जो कि कांस्टेंट हुआ करती थी, लेकिन अब वैल्यू क्या होगी कैपेसिटेंस की, बढ़ गई। अब एक और साइंटिस्ट आया, वो कहता कमाल की तो बहुत बड़े तरीके है। वो कैसे, वो साइंटिस्ट ये कहते हैं काम करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज ने यहां पर मान लो वी कितना डेवलप किया, 100, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट। वो कहते हैं काम करते हैं, इसके ऊपर, इसके सामने एक और प्लेट लेते हैं एज इट इज, इसके ऊपर इंडक्शन होने देते हैं एज इट इज, पर इस पोर्शन को अर्थ कर देते हैं, अर्थ से पॉजिटिव चार्ज तो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट खत्म कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया, पॉजिटिव ने जिसने बढ़ाना था वो खत्म ही कर दिया, तो इसका पोटेंशियल और ज्यादा गिर गया, तो इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर ये डिसाइड हो गया, आज के बाद जिस बंदे ने कैपेसिटर बनाया, सिंगल प्लेट का बनाया ही नहीं, किसका बनाया, पैरेलल प्लेट का बनाया, और ये वाले पोर्शन को क्या किया, अर्थ कर दिया, इससे स्टोर करने की कैपेसिटी चार्ज की क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसीलिए आपने बुक्स में पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि प्रिंसिपल कैपेसिटर का बनाने का ये रहा, सिंगल स्फीयर लेंगे ही नहीं, दो स्फीयर लेंगे, शेल, दो शेल्स लेंगे, या दो प्लेट्स लेंगे, दो लेंगे, एक कोई नहीं लेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, जो कि कम जगह पे बिना कुछ किए सिर्फ प्लेट रखने से इसकी कैपेसिटी को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सी की वैल्यू कांस्टेंट थी पहले, जब ये अकेला था, ये नहीं था, ये कहते हैं बस इतना ही सी है मेरा, पर इसको रखने से इसका ओवरऑल पोटेंशियल गिर जाता है, जिससे कि कैपेसिटेंस ही मॉडिफाई हो गई, राइट कैप। हाँ, क्यू तो जो देना था बैटरी देके चली गई ना, बैटरी देके चली गई, क्यू तो वही रह गया, पर इसका पोटेंशियल गिर गया, जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है?